पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज में। आज हम मिलेंगे उस शख्स से जिनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। आइए मिलवाते हैं। फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूज। थैंक यू। क्या कहना है बिग बॉस OTT के बारे में? मैं देखिए, क्योंकि हम लोग शो से जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा शोज के बारे में बात नहीं कर सकते, बट शो बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। बट कहीं ना कहीं शो की अगर मैं बात करूँ, लास्ट वीक चल रहा है, एक सैड मोमेंट है। नहीं, पुराना ख़त्म होता है तो नया आता है, तो कुछ ना कुछ नया आएगा आई एम श्योर। बिग बॉस 17 भी जल्द आने वाला है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो आप? मुझे नहीं पता कि आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे साइन नहीं किया किसी ने, तो आई डोंट नो। अली में भी नजर आने वाले रोल है आपका, क्या कहना है उस बारे में थोड़ा सा ऑडियंस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैं ताली में प्ले कर रहा हूँ। बात नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, जब आप शो देखेंगे, अभी 7 दिन बाद ही रिलीज़ हो रहा है। जिस चीज़ के लिए गौरी शिंदे लड़ाई कर रही हैं शो में, मैं उसमें उनकी मदद करता हूँ, तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और बहुत ही प्यारा शो बना है, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एज अ व्यूअर कितना एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस OTT? हमेशा ही एंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग एंजॉय करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग फीडबैक देते हैं। इट्स ग्रेट फन। आप भी काफ़ी टाइम से बिग बॉस के साथ जुड़े रहे, ये आपकी जर्नी किस तरीके से है? जो कुछ मुझे हासिल हुआ है जीवन में, उसका बहुत बड़ा श्रेय शो को जाता है। क्या कहना है आपके पसंदीदा कॉन्टेस्टेंट कौन है? अगर आप हम लोग बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहते हैं ताकि न्यूट्रल बने रहें, इसलिए नो फेवरेट्स, कोई पसंदीदा या ना पसंदीदा नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं। एंड विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट। किसका गेम अच्छा लग रहा है, कुछ बता सकते हैं? हम गेम नहीं खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है, और बाकी जो अच्छा खेल रहा है वो आखिरी तक जाएगा और जीतेगा। Okay. 7 दिन में पता चल जाएगा। अगर होस्ट की बात करें, सलमान खान के लिए क्या कहना है? देखिए, अगर मैं उनके लिए कुछ कहूँगा तो वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इतने बड़े हिंदुस्तान के सुपरस्टार हैं, हमारी खुशकिस्मत ही है कि हम उनके साथ काम कर पाए, मतलब उस शो से जुड़े हुए हैं जिसको वो होस्ट कर रहे हैं। दैट्स अ प्राउड थिंग फॉर समवन लाइक मी। अच्छा, कहीं ना लोग कहते हैं कि अरे स्क्रिप्टेड शो है, आप तो इन एंड आउट शो को जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? अगेन स्पेकुलेशन। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ट्विन टावर्स गिरे थे वो कभी गिरे ही नहीं, वो टीवी के लिए बनाया था लोगों ने, तो कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, मतलब स्पेकुलेशन और कंस्पिरेसी थ्योरीज तो चलती रहती हैं। ओके, कुछ कहना है ऑडियंस को? मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी बेटी को पिकअप करने जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय।